नमस्कार प्रणाम स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बायस में बिहार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आएगी वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन दबा लीजिए इससे क्या होगा बिहार आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं से जितनी अपडेट आएंगे सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिलेगा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज साढ़े ग्यारह जो कैबिनेट की मीटिंग होगी आप सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायताओं के हित में ही बातें चलेगी माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि आज साढ़े ग्यारह पे जो कैबिनेट की मीटिंग होगी सबसे पहला मुद्दा जो होगा वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एवं आशा कर्मियों का होगा यानी हो आप लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर के कैबिनेट में जो सबसे पहले जो चर्चाएँ होंगी आज आज पहले कैबिनेट में यही चर्चा होगी कि आप लोगों के मानदेय में किस तरह से वृद्धि कराया जाए मैं आप लोगों को बता देता हूँ पिछली बार जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें जो है आप लोगों का मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं थी इस बार नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया कि आज पहली जो चर्चा है मुद्दा होगी वो सबसे पहले आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और आशा कर्मियों की होगी तो आज दोस्तों आप लोगों को पूरा फाइनली आज मानदेय आप लोगों का बढ़ने वाला है आप लोगों को अब घबराना परेशान होने की जरूरत नहीं है अब संघ की बात कर लीजिए संघ कहता है कि अगर आज लिखित नोटिस शाम तक जारी हो जाती है आज शाम तक जो उम्मीद है आप लोगों की लिखित नोटिस जारी हो जाएगी संघ का एक ही कहना है कि अगर लिखित नोटिस आज शाम तक जारी हो जाती है तो कल से जो है आप लोगों का हड़ताल बंद हो जाएगा अगर लिखित नोटिस नहीं जारी होती है तो संघ का एक ही ऐलान है अगर लिखित नोटिस नहीं जारी होती है तो आप लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा हड़ताल जारी रहेगा लेकिन नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी का एक ही कहना है बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आप लोगों के मानदेय में पूरी तरह से बढ़ोतरी हो गई है यानी सेविका है तो पच्चीस हज़ार सहायिका है तो अट्ठारह हज़ार कर्मी है तो अठारह हज़ार मिनी अगरबाड़ी पंद्रह हज़ार के आसपास आप लोगों का वेतन रहने वाला है ऐसा तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी बार बार ऐलान हैं मीडिया कर्मियों के द्वारा यानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हर जगह पर भी लेकिन आज शाम तक जो है आप लोगों का कैबिनेट मीटिंग समाप्त होने तक जो है सारी की सारी जानकारी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी कब कि कि कितना मानदेय आप लोगों का बढ़ा दस परसेंट पचास परसेंट सौ परसेंट जो भी मानदेय आप लोगों का बढ़ेगा आज शाम तक आप लोगों को पता चल जाएगा और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ जितने भी सेवा मतलब तो, सेवानिवृत्त यानी चयनमुक्त जितने भी लोग हुए हैं ना उन लोगों के लिए नीतीश कुमार जी का एक ही ऐलान है कि आप लोग जो है धैर्य बनाइए आप लोगों को इसी महीने में नियम आप लोगों को इसी महीने में बुलाया जाएगा वापस और आप लोगों का जल्द से जल्द नौकरी पर बुला लेंगे और आप लोगों का मानदेय जो होगा डी के साथ में दिया जाएगा तो आप लोगों को मैं इतना बता देना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी अभी मीटिंग से पहले पहले जो है मीडिया के सामने आए लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कहा पाँच से दस मिनट उन्होंने मीडिया के सामने ही टिके हैं उसके बाद चले हैं कहें हैं कि कैबिनेट मीटिंग के बाद ही आप लोगों से बात करेंगे तो फाइनली आप लोग इंतजार करिए कि कैबिनेट की मीटिंग जो है साढ़े ग्यारह से स्टार्ट होने वाली है देखिए साढ़े ग्यारह पर स्टार्ट होती है तो ठीक है नहीं तो बारह बजेगा लेकिन उतर तो टाइम तक आप लोगों की कैबिनेट मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी यानी जो मीटिंग होगा डेढ़ घंटे का मीटिंग होगा उसके बाद आप लोगों को जानकारी पता चल जाएगी आई होप ये वीडियो को पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा धन्यवाद जय हिंद